आप सबके अपने चैनल एंटरटेनमेंट में हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे दो मूवी की जो आज रिलीज हुई है और मैं इस वजह से नहीं बना रही, मैं नहीं चाहती अपने लिए भी ये बेनिफिट देख रहा, क्योंकि यार मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, मुझे दो बार एडिट करना पड़ेगा, फिर आप लोग भी दो बार परेशान होंगे। सच एक ही वीडियो में आप दोनों फिल्मों के बारे में जान लोगे, दोनों में से कौन सी मूवी इस हफ्ते देखनी चाहिए। तो यार इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो हम लोग इंडियन से, तो पहले हमारी इंडियन फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो यार पहली हमारी जो इंडियन फिल्म है उसके बारे में बात करेंगे। तो यार ये फिल्म है छिछोरे। इस फिल्म में हमें सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर देखने को मिलते मेन लीड में, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म की जान है वो है वरुण शर्मा, लेकिन वो तो हम तो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो मैं आपको सीधे शब्द में बोलूंगा ये फिल्म आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो मैसेज दिया गया ये मैसेज बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरीके की फिल्म हमने पहले भी देख चुकी, चाहे सी एडिट हो या मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक गाना था जिसमें वो लड़का सुसाइड करता है, उसको एक लड़की छोड़ के आती है। हालांकि यहाँ पे लड़की का मैटर नहीं है, लेकिन टॉपिक वही है कि जब इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है, वो अपने आपको लूजर मानता है, तो वो क्या करता है वो इस मूवी में बताया गया। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, हार जीत तो लगा ही रहता है और इंसान को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। अगर जो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करते उन लोगों को ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा वो लोग बोले ही नहीं। तो ये फिल्म में जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को दबाव डालते हैं पढ़ाई के मामले में या जिंदगी में, वो कभी भी कोई चीज को लेकर वो हार जाता है या मतलब हो नहीं पाती चीज, हारना तो मैं नहीं कह सकता कि हार जाता है, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती, तो उसे जो डर रहता है पेरेंट्स का या किसी और का अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग है, तो वो फिल्म में इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि किसी इंसान को डीमोटिवेट मत करो, हमेशा मोटिवेट करो, हमेशा हौसला दो कि नहीं तुम कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इस मूवी का ये है कि जो कॉलेज सीन्स बताया ना बहुत अच्छे बताए, आपको कहीं ना कहीं ये कॉलेज सीन आपको अपने कॉलेज की याद दिलाएगी। कोई भी तो मतलब इसमें यहाँ पे मोस्टली काफी नीतीश तिवारी ने फोकस किया कि जितना हो सके उन्होंने एक रियलिटी दिखाई कि कॉलेज में कैसा होता है। ये कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह कॉलेज नहीं है या कुछ भी होता है मूवी की तरह कॉलेज नहीं, जहाँ पे पढ़ाई के अलावा बहुत सी फालतू चीजें होती है, लेकिन वो ऐसी चीज होती है जो हमने इंडियन कॉलेज में कभी नहीं देखे होगी। लेकिन यहाँ पर आप हम वो सब चीज देख अच्छी तरीके से बताइए। और एक्टिंग वाइज में मुझे वरुण शर्मा बहुत अच्छा लगे, उसके अलावा श्रद्धा कपूर अच्छी लगी, सुशांत सिंह राजपूत तो मुझे उनकी फिल्में पसंद आती है, ऐसा नहीं कि मुझे उनकी फिल्में पसंद नहीं आती, उनकी फिल्में पसंद आती है। तो ये फिल्म चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस हिसाब से मैंने थिएटर में रिस्पॉन्स देखा तो काफी कम ऑडियंस थी, लेकिन अब देखते हैं आने वाले दिन में ये फिल्म कहां तक पहुंचती है। मेरे हिसाब से ये मूवी ओके है, आप लोग अगर जा सकते हो तो जरूर जाना। अब बात करते हैं इट चैप्टर टू की। तो यार इट चैप्टर टू वहीं से शुरू होती है जहां पे ये मूवी खत्म होती है, यानी कि चैप्टर वन में जब वो लोग पेनीवाइज वो बच्चे। अब मैं आपको बता दूं कि छिछोरे और इस मूवी में कॉमन बात यह है कि दोनों ही मूवी में हमें लूजर्स ग्रुप देखने को मिलेंगे, जैसे कि छिछोरे मूवी में भी जो वो उन लोगों का ग्रुप है सुशांत सिंह राजपूत वरुण शर्मा श्रद्धा कपूर इन लोगों के ग्रुप को लूजर्स ग्रुप कहा जाता है। और वहीं यहाँ पे इट चैप्टर टू में भी जो बच्चे जो अब बड़े हो गए वो लोग भी अपने पहले पार्ट में उन्हें भी लूजर्स ही खाया जाता था। तो ये चीज दोनों ही मूवी में कॉमन है। लेकिन इट चैप्टर टू की बात करें तो इट चैप्टर टू भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जरूर जाके देखनी चाहिए। जिन लोगों ने चैप्टर वन पसंद किया था बिल्कुल उन लोगों को चैप्टर टू पसंद आएगी। निराशा होगी इसकी लेंथ के, लगभग तीन घंटे की नहीं मगर 2 घंटे 50 मिनट की करीब करीब फिल्म है, तो लेंथ से आप लोगों को थोड़ा इश्यू होगा। लेकिन जो डर है जो जंप स्केयर सीन है ये इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इस मूवी में हमें ये बताया गया जितने भी बच्चे थे अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और लगभग 27 साल हो चुका है। जो पेनीवाइज जो एक क्लाउन है वो एक ऐसा क्लाउन है कि वो हर 27 साल में आता है और वो काफी लोगों को खाता है, स्पेशली बच्चों को खाता है। और एक ये सब जितने भी इंसिडेंट होते हैं ये सिर्फ 1 साल तक होते हैं, फिर वो जाके सो जाता है। तो अब पहली चैप्टर वन और इस मूवी में 27 साल का गैप जाएगा, तो वो बच्चे भी बड़े हो गए और पेनीवाइज अब दोबारा वापस आ गया। तो दोबारा आने के बाद इसमें से जितने भी बच्चे बड़े हो चुके थे ये काफी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और वो उस टाउन से बाहर जा चुके हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी उस टाउन में रहता है और उसको पता चले कि पेनीवाइज वापस आ गया, तो उसने सबको कॉन्टेक्ट करके बुला लिया। अब वो जो बच्चे बड़े हो चुके अब वो लोग किस तरीके से पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे, क्या पेनीवाइज अपना बदला लेगा क्योंकि वो 27 साल से इंतजार में कब इन लोगों से बदला, तो एंड में कौन जीतता है, क्या पेनीवाइज जीतता है या वो बच्चे जीतते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए सॉरी बड़े लोग क्योंकि वो बड़े हो चुके वो लोग जीतते, ये सब जानने के लिए आपको इट चैप्टर टू देखनी पड़ेगी। इट चैप्टर टू मुझे एक वर्ड में बताओ तो ये अच्छी मूवी है। हाँ लेंथ का इश्यू है क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि कौन सा मतलब हर कैरेक्टर किस तरीके से तैयारी कर रहा है पेनीवाइज का सामना करने के लिए और पेनीवाइज इन लोगों को अलग अलग किस तरीके से डराता है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। प्लस इसमें एक्टिंग में
जितने भी स्टार कास्ट है सब लोगों ने शानदार एक्टिंग की। अगर मैं आप लोगों को नाम बताऊं तो नाम बताए कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर है इसके अंदर और सभी लोगों ने, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे वो डर का एक्सप्रेशन हो, चाहे वो मतलब जितने अलग अलग एक्सप्रेशन वो लोग बता सकते थे वो लोग ने बताया। बहुत अच्छी तरीके से इसमें फिल्म को बनाया गया, डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोगों को इतना बोलूंगा कि दोनों ही मूवी आप लोगों को निराश नहीं करेगी। अगर आप इंडियन फिल्म देखने आते हो तो शिशोरी मूवी जाके देख सकते हो, मैसेज अच्छा है, फिल्म ज्यादा बड़ी तो नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं आपको किसी और फिल्मों से आपको ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी इस तरीके की फिल्मों को बढ़ावा दो ताकि लोगों की तरफ अच्छा मैसेज जाए। और इट चैप्टर टू की बात करूं तो जो हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं और जो इस सीरीज के फैन है तो यार आप लोग तो जरूर जाके देखें। हाँ आपको थोड़ी निराशा होगी क्योंकि इसमें पेनीवाइज का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन फिर भी ये मूवी मस्ट वॉच जरूर है। एक बार तो आप दोनों ही मूवी वन टाइम वॉच कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही बोलूंगा कि दोनों मूवी मेरे पर्सनली दिल जीती है, मुझे कहीं पे भी निराशा नहीं इन दोनों मूवी से, और दोनों मूवी आप लोग को भी जाके देखना चाहिए। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करना और जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर देना। और वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो मुझे माफ कर देना, मैंने कोशिश किया कि दोनों मूवी आज इसी वीडियो में बताने की। तो यार मैं भी आपसे कल किसी नए वीडियो में ज्यादा इतना बोलूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो साथी बेल आइकन उसे प्रेस करो और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय।